हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट व्यू में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और अच्छी खबर जो एक मल्टी बैगर शेयर से रिलेटेड है, और इस कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट अनाउंस किया है। और ये वो कंपनी है जिसने पिछले 7 साल में 1 लाख को 67 लाख में बदला है। तो हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है और इसका काम क्या है। तो ये जो कंपनी है, ये रबर के लिए बीड्स वायर्स बनाती है, जो पतली सी वायर्स होती हैं जो टायर के अंदर लगती हैं, ये उन्हें बनाने का काम करती है। और इसके क्लाइंट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, अपोलो MRF जैसे इसके क्लाइंट्स हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो अभी इसका स्टॉक प्राइस जो चल रहा है 2620 रुपये चल रहा है, और पिछले सेशन में ये 122 रुपये ऊपर बंद हुआ क्योंकि इसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। तो देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप ये देखेंगे, इसने पिछले 5 साल में 837% का रिटर्न दिया है और 1 साल में ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, बस एक वीक में 0.57% नेगेटिव रही है। तो अब इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल में आप देखेंगे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई है, और ये जो आप देखेंगे ये ईयर ऑन ईयर, ये इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और बढ़ के 27% हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कितना कैपिटल डाल रही है अपने आप को बढ़ाने में, तो वो भी आप देखेंगे ये भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है और इनके एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हम आते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और देखते हैं इसके 10 साल का डेटा क्या रहा। तो 10 साल के डेटा में आप देखेंगे इनकी जो नेट सेल है वो भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, और ग्रो करके ये 829 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आप देखेंगे, अब आगे देखते हैं इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा रहा। तो 2013 से आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप तो वो भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। अब इसका हम स्टैंड अलोन में देख लेते हैं। ये तो इसका ग्रुप ऑफ कंपनीज का था, तो स्टैंड अलोन में भी आप देखिए कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। बस एक 2017 में ये थोड़ी नेट सेल्स की कम थी, लेकिन उसके बाद ये वापस ट्रैक पे आई और इसने अच्छा रिजल्ट दिया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए स्टैंड अलोन में भी इनका ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो ये इसकी स्ट्रांग फंडामेंटल्स को शो करता है। आइए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका। तो आप देखेंगे 65% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और 35% पब्लिक के पास है। इसमें FIIs बहुत ही कम इन्वेस्टेड हैं, मीन्स अभी वो अवेयर इसके बारे में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। DIIs इसमें आप देखेंगे वो इन्वेस्टेड हैं, हालांकि उन्होंने अपनी पोजीशन को पिछले 2 क्वार्टर में कम किया है। आप देखेंगे पहले के मुकाबले तो पिछले 2 क्वार्टर में उनके पोजीशन उन्होंने कम की थी, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है। और फिर भी 8% हिस्सेदारी होना DIIs की अच्छी बात है। तो इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए आप, तो कितने म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं। बीड्स वायर्स बनाती है, ये पतले पतले वायर, इनके आप कस्टमर देख सकते हैं इंडिया में। इनके कस्टमर देखिए आप, सारे बड़े बड़े कस्टमर हैं, अपोलो, ATG, BKT, ब्रिजस्टोन, सीएट, जेके टायर, MRF, मिशलिन, सुपराजीत। और इनके थाईलैंड के कस्टमर भी आप देख सकते हैं, आपने योकोहामा का भी नाम सुना होगा, ये भी काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन ये थाईलैंड का ब्रांड है।
और इंटरनेशनली इनके भी कस्टमर हैं, तो मींस इसकी प्रेजेंस अच्छी है, ग्लोबल प्रेजेंस भी इसकी अच्छी है। तो मनी कंट्रोल में देखिए 31% का जंप आया है इनकी सेल्स में और ईयर ऑन ईयर में, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अब इसके एक बार हम तो देखिए, इन्होंने ये 28 तारीख की मीटिंग में ही अनाउंस किया है कि ये लोग 1:5 का स्प्लिट दे रहे हैं। उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, वो डिसाइड होगी और जैसे ही डिसाइड होगी मैं अपने फेसबुक पेज पे उसे डाल दूंगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं, लाइक किया हुआ है तो आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी। और जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया है वो चाहें तो कर सकते हैं, ताकि उनको भी अपडेट मिलते रहे। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो इनका जो अब तो इन्होंने इनका जो रिज़ल्ट आया था 19 जनवरी के आसपास इनका रिज़ल्ट आया था दिसंबर क्वार्टर का, तो उसमें इनका 31.52% का सेल्स में जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट इनका 17 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 77% ज़्यादा है। पहले इनका 9 करोड़ रुपए था। इनका ये देखेंगे एबिट्टा भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। किसी कंपनी की ग्रोथ का मेजरमेंट देखने के लिए एबिट्टा वैल्यू भी देखी जाती है, उसमें भी इनका 59% जंप आया है। ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये कभी मैं आगे बताऊंगा जब बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए बस ये समझ लीजिए ये भी एक अच्छा नंबर है। और उनका अर्निंग पर शेयर देखिए, वो इंक्रीज हुआ है 16 रुपये से। पहले वो दिसंबर 2020 में 9.56 रुपये का था। तो ओवरऑल कंपनी का जो आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब इसके हम एक बार चार्ट की तरफ और देख लेते हैं, इसका कल का व्यू कैसा रहने वाला है। तो ये आप चार्ट देखेंगे, इसने एक बड़ी कैंडल बनाई है, एक पैटर्न ख़त्म हुआ है, डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ है। और जब इसने स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस किया है उसके बाद इसमें एक अप ट्रेंड आया है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ जैसा हमें दिख रहा है, एक इनका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ 2700 रुपये के आसपास है और एक ऑलमोस्ट 2900 रुपये के आसपास है। तो आप देखेंगे 2668 रुपये के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है और 50 डे मूविंग एवरेज से टकरा के वापस ऊपर चला गया है। और यहाँ भी आप देखेंगे RSI भी पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है, 50 से ऊपर निकल गया है और ये कैंडल भी इससे अबव क्लोज हुई है। ये है हेकिनेशी कैंडल्स हैं। तो अब एक ये 2668 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है ये उसे ब्रेक कर सकता है और वापस अपने जो इसका हाई था ऑलमोस्ट 3047 रुपये इसका हाई बना था, वहाँ तक ये वापस जा सकता है और हो सकता है उसे ब्रेक कर दे। तो ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी अच्छी है और जो इसका शेयर है वो भी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। और हालांकि मार्केट सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। इसकी सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट कहाँ पे है कि एक सपोर्ट यहाँ 1988 रुपये पे है, बट ये वापस यहीं से चला गया। तो आप देखेंगे 1988 को इसने कई बार टेस्ट किया था, यहाँ एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 3 बार टेस्ट करने के बाद ये ऊपर चला गया। और अब इसका आउटलुक, और आप ये भी देखेंगे ये थोड़ा फ्लैग पैटर्न सा नज़र आ रहा है, हालांकि आप विजुअलाइज करेंगे तो अभी फ्लैग पैटर्न कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। जब वो ब्रेक करके कम से कम जब यहाँ तक आ जाएगी वो कैंडल, तब आप कह सकते हैं इसमें बुलिश मूव आएगा अच्छा, बट इंडिकेटर्स ने इशारा दे दिया है कि ये पॉजिटिव मूव की तरफ जाने वाला है। हालांकि शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, बट आप चाहें तो एक दो शेयर से एंट्री ले सकते हैं, बाद में जब स्प्लिट अनाउंस होगा तो वो आपके शेयर डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद आप जब ये शेयर प्राइस सस्ता हो जाए तो और इसमें आप एवरेज कर सकते हैं, धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं। बाकी मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, प्योर डिसीजन आपका है, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है कंपनी कैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ पूछ सकते हैं कमेंट करके, और शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले और वो लोग भी इससे फ़ायदा ले पाएँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।